नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा एक बार फिर थोड़े नाल लेके हाजिर हाँ जी एक होर मोटिवेशनल स्टोरी। और उम्मीद करांगे कि ये स्टोरी थोनों बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो सानू लाइक करियो, शेयर करियो, तो साढ़े यूट्यूब चैनल विराट रेडियो विराट टीवी सबसक्राइब जरूर करो। तो दोस्तों, अज की कहानी साढ़े एक अजे पेंटर की है जिहड़ा कि अपने पुत्र अपनी पत्नी दे नाल खुशी खुशी अपना जीवन बतीत कर रहा सी। अपनी पेंटिंग्स नू बनांदा पूरी मेहनत पूरी लगन दे नाल बड़ी सोच दे नाल उसनू बनांदा, ते बनाउण तो बाद उसनू बेच के आंदा। बेचण तो बाद जो पैसा उसनू मिलदा उस पैसे दे नाल ओह अपने घर दी गुजर बसर कर रहा सी। समा बीतदा गया, उसदा पुत्र वड्डा हुंदा गया, ते पेंटर जिहड़ा सी ओह दिन ब दिन बुजुर्ग हुंदा चला गया। उस दियां अखां भी हुण कम करनियां घट गईयां सी, ते ओह कुछ बीमार भी रहण लगा। एक दिन उसने सोचिया, क्यों ना हुण पुत्र जवान हो रहा, मैं अपना हुनर अपने पुत्र नूं जरूर दियां। तां पेंटर ने वक्त दी चाल नूं समझदियां अपने बेटे नूं अपने कोल बुलाया, ते कहा, बेटा मैं बुजुर्ग हो चुका, ते मेरे हुण हाथ पैर भी काम नहीं करते, ते अखां भी हौले हौले जवाब दे रही ने। तो चंगा तो यह होएगा कि तू हुण मेरे तो मेरा हुनर लै, ते घर दे गुजर बसर दे विच तू मेरा हाथ वटा। तो पुत्र ने भी अपने पिता का कहना मनते होया चित्रकला नूं सीखना शुरू कर दिता, क्योंकि चित्रकला पहला ही उसके खून दे विच सी, ते छेती ही उसने चित्रकला दे विच निपुणता हासिल की। कुछ चिर बाद पुत्र ने पेंटिंग बनाई, अरे पेंटिंग बना के उसने अपने पिता दे अगे पेश की। पिता अपने पुत्र दी पेंटिंग नूं देख के बहुत खुश होया और बहुत दुआवां भी दित्तियां। पिता ने पुत्र नूं कहा कि जा, ए पेंटिंग तू बाज़ार विच जाके बेच के आ। बाज़ार विच जाके उस दी पेंटिंग बिक भी गई और उसनूं उस पेंटिंग दे बदले 100 रुपए मिले। मुंडा बहुत खुश सी, वह फटाफट पेंटिंग बेच के घर वापस आया, ते वह 100 रुपए लिया के उसने अपने पिता के हाथ विच दे दित्ते। पिता वह 100 रुपए देख के बहुत खुश होए, ते अपने पुत्र नूं एक बारी फिर गले नाल ला लिया। उस वेले खुशी खुशी विच पुत्र ने अपने पिता नूं पूछया कि पिता जी, थोड़ी पेंटिंग किन्ने रुपए विच बाज़ार च बिकती सी? तां पिता ने कहा कि 300 रुपए विच। पुत्र उदास हो गया। उसने कहा, फिर तुसी मैनू इन्ना प्यार क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी तो सिर्फ 100 रुपए च बिकी है, ते थोड़ी 300 रुपए च। तां पिता ने कहा, कोई गल नहीं, थोड़ी होर ज़्यादा मेहनत कर, होर ज़्यादा सीख, ते तेरी पेंटिंग भी जरूर 300 रुपए च बिकेगी। मुंडे ने अपने पिता की गल मनदिया एक बार फिर बड़ी मेहनत दे नाल पेंटिंग बनानी शुरू की। ते पिता ने पेंटिंग नूं बनाते वेले होर कई नवे गुण अपने पुत्र नूं दसे, ते पेंटिंग एक बार फिर बन के तैयार हो गई और मुंडा एक बार फिर पेंटिंग नूं लैके बाज़ार च गया, ते उसने उस पेंटिंग नूं बेचिया, ते इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपए विच बिकी। और मुंडा हाले भी उदास सी। पिता ने अपने पुत्र नूं फिर समझाया कि उदास ना हो, होर मेहनत कर, मैं तैनू होर गुर नवे दसांगा, तू अपनी पेंटिंग एक बार फिर दोबारा बना, ते नवे तरीके नाल बना, ते तेरी पेंटिंग जरूर चंगी बनेगी, ते वधिया कमाई तू करेगा। मुंडे ने फिर अपने पिता का कहना मन्या, ते बहुत मेहनत दे नाल एक बार फिर पेंटिंग बनाई, ते इस बार उसकी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनी। और बाज़ार दे विच जदों लैके गया, तां इस बार उसकी पेंटिंग
700 ਰੁਪਏ ਚ ਵਿਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਤਾ ਠਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ। ਉਸਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ। Thank you.